हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के अंदर और लोहारू से यहां फर्टिया होते हुए एक रास्ता जाता है जो लोहारू से महेंद्रगढ़ की तरफ जो हाईवे जाएगा उसके अंदर ये क्रॉसिंग जो है वो वहाँ पर मैच होएगा। लेकिन यहाँ पर PWD विभाग की एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर देखने को मिली है। शायद आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा ऊंचा करके पहले तो ये पेड़ दिखा दें। 151 नंबर पहले लिखा हुआ है और 45 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये रोड के बिल्कुल किनारे पे है। रोड यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे और ये तो छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि और दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा और आगे चले तब यहाँ पे देखिएगा ये जो पेड़ है इसका नंबर, हाँ, इसके ऊपर क्रॉसिंग जरूर की गई है। शायद क्रॉसिंग इसलिए की गई है कि भाई आने वाला है कि भाई टक्कर मत मार देना इसके अंदर, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है इसके अंदर। शायद ये जो है वो यहाँ पे जो विभाग है उसने दिखाने की कोशिश की है। शायद रेडियम की पट्टियाँ भी लगाई गई हैं, कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि कि तीन यहाँ पे पेड़ हैं। यहाँ पे जो PWD विभाग ने जब रोड बनाया था उस समय परमिशन लेनी चाहिए थी वन विभाग से कि ये पेड़ काट दिए जाएँ या नहीं काट दिए जाएँ, क्योंकि काटेंगे तो शायद ये समाधान हो सकता था और नहीं काटेंगे तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी रोड बना है, फिलहाल लगभग 10 से 15 दिन हुए हैं। हरियाणा के लोग यहाँ पे शायद इकट्ठा भी हुए थे, PWD विभाग के SDO साहब भी आए थे और यहाँ पे जो ठेकेदार साहब भी आए थे, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई हम बिना परमिशन के इस पेड़ों को नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वह थोड़ा कवर करके दिखा दें। गाँव के कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर और उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने कुछ कहा भी था। थोड़ा सा आगे और चल के देखिएगा, वहाँ पे रेडियम की पट्टियाँ इसके ऊपर लगाई गई हैं, क्रॉसिंग इनके ऊपर जरूर लगाया गया है ताकि यहाँ पे लोगों को पता चल सके कि भाई ये रोड है, रोड के बीच में पेड़ आ रहे हैं, यहाँ पे टक्कर मत मार देना। रेडियम की पट्टियाँ लगाई गई हैं ताकि आने वाले सामने की लाइटिंग फोक्स से पता चल सके। लेकिन ये देखिएगा, थोड़ा और आगे आ जाइएगा, रोड के बीचों बीच में जो है वो यहाँ पे पेड़ हैं तीनों के तीनों। बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं PWD विभाग की और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बड़ा हादसा हो जाएगा तब वो सारे के सारे यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जरूर आ जाएंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सी साइड आ जाओ जी, एक बार। सरपंच है, सरपंच साहब फल्टिया साहब जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, सरपंच साहब है। हाँ हाँ, क्या बात है, गाँव के लोगों ने आपको पद दे रखा है, इसकी आवाज़ उठाई आपने। बिल्कुल, क्या कुछ आश्वासन मिला इसके बारे में? इसका आश्वासन 7-8 दिन में कटवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब ये बन रहा था तब गांव के लोग इकट्ठा होकर आए थे? हाँ बिल्कुल, ये इकट्ठा होकर के आए थे और SDM के पास हम गए थे। एक बार नहीं, तीन बार हमने ज्ञापन दिया था। पूरे गाँव के कम से कम 15-20 आदमी जा करके SDM साहब को फोटो दिखाई थी और SDM साहब ने आश्वासन दिया। बड़ा हादसा होने का न्योता नहीं दे रहे? बिल्कुल, बड़ा हादसा होने का न्योता दे रहे। हमने यही भी बताया था कि यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा, कभी भी मतलब ये एक्सीडेंट हो सकता है और यहाँ बहुत बड़ा जान माल का वो होगा। बिल्कुल, जब हानी हो जाएगी ना उस टाइम SDM साहब भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे और आवाज़ उठाने के लिए बोलेंगे। ये समस्या क्या आ रही है? वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा होगा? हाँ, वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है, यही समस्या है जी। परमिशन अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पे पेड़ है और उसको थोड़ा सा भी काटने के लिए आ जाए तो उस समय PWD विभाग की या फिर वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन अब वन विभाग के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करने वाला हो तो, PWD विभाग के ऊपर कार्रवाई करने वाला हो तो, लेकिन कोई नहीं है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जिस प्रकार से ये बड़ी उपलब्धि है कह सकते हैं PWD विभाग की, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे जी, मैं जो ठेकेदार से बात करी थी, मेरे को भैया रोड बीच में ये पेड़ क्यों छोड़ रहे हो, उनको उखाड़ो। वो अपने सतेंद्र नाम का है कोई, मनफरा से। अच्छा, मनफरा से ठेकेदार। हाँ, उसने ये कहा भाई महकमा परमिशन दे नहीं रहा, ऐसे हम काट नहीं सकते और ऐसे हम काट नहीं सकते। अब जब तो हो जाएगा उस टाइम इसमें देखो आगे धुंध आएगी, बड़ा हादसा होगा, मतलब हादसा तो होना ही होना है, हादसा होगा उस टाइम पर निकल रही है ना, तो ये एक बचाव निकल रहा है, एक बचाव निकल रहा है भाई। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे तो क्या पता किस रात क्या हो जाए, कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और कुछ बच्चे और मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। सरासर गलत है जी, जानलेवा हादसा है जी, हम तो इतनी जाना है, हम शमशाबाद से जी। अच्छा, उरा जाओ था पड़ भी मरे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि ऐसी उपलब्धियां कभी दोबारा से आपने कभी देखी है? जी जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, इसी उपलब्धि देखी हरियाणा ना भाई? कौन देखी आज तक पहले? कौन सा काम तारे हो? मैं तो वार्ड लोअर। कौन सा काम?
सरकार को नहीं होना चाहिए भाई, रात ने कितना दिक्कत, दिन में दिक्कत दे दे तो यार, रात ने तो दे देगो, कन्फर्म देगो भाई वो तो देख सकते हो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। पहले ये रास्ता यहाँ से था, पहले तो कोई समस्या नहीं होती थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो बड़ी समस्या हो सकती है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी राम राम जी। राम राम। कौन सा काम था? इसी काम से, फल्टिया से हो। हाँ। क्या कहेंगे ऐसी लापरवाही के बारे में, पीडब्ल्यू विभाग की लापरवाही है? ये विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसको भी देखना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी सोचना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं इनको मतलब बोलने से ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसमें तो समय लगाना ही चाहिए। नहीं, अब भी हो जाए तो भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ये बड़ी उपलब्धि है कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पे न्योता दे रहा है। अगर आप लोग आ रहे हैं लोहारू से, ये फल्टिया होते हुए एक टचिंग लाइन है जो वहाँ पे सोहासरा की तरफ जो हाईवे जाता है, महेंद्रगढ़ की तरफ जाएगा, उसके अंदर जो है वहाँ पे मैचिंग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बड़े बड़े साधन आते हैं और क्रॉसिंग करते वक्त कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। राम राम जी। जना ये कटनी चाहिए सब रोड के बीच में ही, और कदे पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो सके है, तड़के जाते हैं टाइम आओगी धूमर में भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, होना ही होना है। तो अभी मतलब ज्ञापन कब सौंप के आए थे जी आप एसडीएम साहब को? चार पाँच दिन पहले। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था कि 3-4 दिन के भीतर ये कट जाएंगे, और मेरा आगे ही बात करी थी एसडीएम साहब ने ऊपर। जब ये आज लाइव तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि बार दोबारा दिखा दे भाई, ये बड़ी जो लापरवाही कह सकते हैं पीडब्ल्यू विभाग की, और यहाँ पे लोग जो है वो पीडब्ल्यू विभाग के खिलाफ जो है वो नारा भी लगा चुके हैं। सत्येंद्र जो यहाँ पे ठेकेदार बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भी हमें कोई परमिशन नहीं मिली, ऐसे बिना परमिशन के हम लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। लेकिन वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं कि जब रोड बन रहा है तो सबसे पहले वन विभाग को आगे आना चाहिए था कि भी ये रोड पेड़ जो है वो एक लोगों के लिए रोड़ा बन सकता है, वो चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी गई। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके खिलाफ एक्शन हो, और आज ही हो, आज शाम तक जो है वो एक्शन हो जाना चाहिए। क्यों? और एक और साइड के अंदर मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये मोरका की है, मोरका के अंदर भी ऐसे ही हालात देखे गए हैं। उसके बीच में बिजली विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही है, बिजली विभाग का पोल जो है वो बीचों बीच में गड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोनों क्लिप के अंदर आप देख के बताइए। लाइव शेयर जो है वो रुकना नहीं चाहिए आपका, तब तक ये एक्शन नहीं होना चाहिए। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।